बीएसएफ टेक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है। गोहाना में आज होने वाली दक्ष प्रजापति जयंती का कार्यक्रम को आज स्थगित करना पड़ा। कारण बता दें कि सुबह रात्रि 3 बजे से लगातार हो रही बरसात के चलते ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि लगातार हो रही बरसात के कारण जो है जहां पर कार्यक्रम का आयोजन होना था वहां पर पानी भर गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर जो है आयोजक पानी के बीच में खड़े हैं। और बता दें कि इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पहुंचना था। उसके अलावा राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी यहां पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां पर उनको पहुंचना था। उसके अलावा केसी बांगड़, गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी विरमानी के अलावा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सिरसा जिला के जेजीपी के अध्यक्ष वर्मा जी, जो अशोक वर्मा है, वो यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होना था, लेकिन रात को तेज बरसात होने के कारण जो है अभी भी जो है बरसात चल रही है। उसी के चलते जो है जहाँ चौधरी देवीलाल स्टेडियम में ये कार्यक्रम होना था और तेज बरसात के चलते जो है जहाँ आयोजक स्थल है वहां पर पानी भर चुका है। आप तस्वीरें भी सामने देख सकते हैं, जो है पानी भारी मात्रा में यहाँ भर गया है, जिसके कारण जो है कार्यक्रम को अब स्थगित कर दिया गया है। आगे की डेट जो है आगे बताई जाएगी। और बता दें कि दुष्यंत चौटाला के गोहाना में 4 से 5 अलग अलग कार्यक्रम भी थे, जिसमें खानपुर के अलावा मारा, खंदराई, चिटाना के अलावा हुलाहेड़ी गांव में भी उनका कार्यक्रम था। सभी कार्यक्रम जो है अब स्थगित कर दिए गए हैं और अगले जब भी कार्यक्रम होगा उसकी डेट जो है अब आगे बता दी जाएगी। लेकिन अब जो कार्यक्रम की कमेटी है उनके द्वारा इस कार्यक्रम को स्थगित करने की जानकारी दे दी गई है। और जो भी रास्ते में लोग आ रहे हैं उनको भी अपील करना चाहेंगे कि जिन उन वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग रास्ते में हैं वो अपने घरों की तरफ लौट जाएं। अब तस्वीरें देखते हैं जहां पर जो भारी बरसात के कारण जो है स्टेडियम के अंदर पानी भर चुका है और लोग जो है उसी के अंदर से निकलते हुए सामने नजर आ रहे हैं। आप सभी से अपील रहेगी कि देश अब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुंचे कि तेज बरसात के चलते जो है अब जो कार्यक्रम है दक्ष जयंती का जो कार्यक्रम है उसे स्थगित करना पड़ा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह का आयोजन यहां पर करना था और जहां पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को यहां पर बतौर मुख्य अतिथि यहां पहुंचना था, लेकिन बरसात ज्यादा होने के चलते जो है कार्यक्रम का आयोजन जो है अब स्थगित कर दिया गया है। अब आगे जो है इसकी डेट रखी जाएगी, उसके बाद ही अगली डेट का आपको हम बता पाएंगे। देख सकते हैं जहां पर पूरा कार्यक्रम का जो कार्यक्रम आयोजन था उसको पूरी तरह से रात को पूरा कर लिया गया था, लेकिन रात 3 बजे से लगातार हो रही बरसात के चलते अब इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा है। अब तस्वीरें जो देख रहे हैं इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक, पूरे हरियाणा से लोग यहां पहुंच रहे हैं, कई जगह से जो लोग यहां पहुंच भी चुके हैं, जैसे कि मेवात की बात कर लें, मेवात से लोग पहुंचे हैं, दिल्ली से भी लोग पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश से भी, राजस्थान से भी लोग अभी रास्ते में ही आ रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पहुंच चुके हैं उनके लिए यहाँ पर भंडारा का जो आयोजन था उसको चालू कर दिया गया है। जो लोग यहाँ पहुंचेंगे उनको भंडारा चखने के बाद यहाँ से वापसी रवाना कर दिया जाएगा। में जो है कार्यक्रम किया जाना था उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, और क्या कहना चाहोगे इस कार्यक्रम को? ऐसा है, मैं अशोक वर्मा, पूर्व चेयरमैन HLRDC हरियाणा, जिला अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी सिरसा, और आज इस प्रोग्राम जो हमारी दक्ष प्रजापति जयंती मनाई जा रही थी इसकी अध्यक्षता करनी थी मेरे को। ये प्रोग्राम हम बारिश जो आज देख रहे हो आप भी, और पानी के अंदर आप भी खड़े हो और हम मंच के सामने खड़े हैं और यहाँ पानी भरा पड़ा है और बारिश अब भी आ रही है, और हमने कोशिश की थी कि नगरपालिका के टैंकर लगवा के वो पंप लगवा के पानी निकल जाए, परंतु असंभव हुआ है, और इसलिए हमने इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है भी। और मैं आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से जो सभी साथी सुन रहे हैं
जो कुछ साथी रस्ते में हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वो अपने घरों में वापिस चले जाएं। यहाँ गवाना के अंदर सड़कों पे भी पानी भरा हुआ है। मैं रात को यहाँ सेक्टर 7 में रुका हुआ था, वहाँ सुबह उठे हैं जब हमने देखा है कि वहाँ एक एक डेढ़ फुट पानी उस सेक्टर में भी है। इसलिए हमने सबने सामूहिक निर्णय लिया कि ये प्रोग्राम पोस्टपोन करें, क्योंकि लोग जो दूर से आ रहे हैं, अभी मेरे पास सूचना आई कि भी मुजफ्फरनगर से चले हुए थे वो साथी भी अभी यहाँ पहुँचे हैं। हमारे पास नूह से जो दूर से चले हुए साथी वो पहुँच रहे हैं, कुछ रात को भी चले हुए थे। तो हम सबको सूचना देना चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को हमने पोस्टपोन कर दिया और आगे की तारीख को निश्चित करके हम द्वारा ये प्रोग्राम करेंगे। मैं धर्मपाल कंवर, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का स्टेट प्रेसिडेंट जननायक जनता पार्टी से। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी तो चिंता हमें ये हो रही है कि जो लोग इस 25 तारीख वाले आज के प्रोग्राम में दूर से चले हुए हैं और रास्ते में कहीं बारिश में फंसे हुए हैं, और उनको वापस किस प्रकार से हर एक आदमी को किया जाए, क्योंकि परेशानी इतनी होगी, यहाँ फंस चुके हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने यहाँ माहौल देखा कि यहाँ म्यूनसिपैलिटी भी यहाँ पानी निकालने में फेल हो रही है और पानी इतना बरस रहा है, लेकिन लोगों में जो उत्साह देखा अब की बार, ऐसा उत्साह हमने कभी भी नहीं देखा। और हम तो ये इस चिंता में थे कि ये ग्राउंड है जो हमने है जो चुनाव करने में थोड़ा सा है जो गलती कर दी, क्योंकि इससे बड़ा ग्राउंड चुनना चाहिए था, क्योंकि यहाँ लोग इतने आने थे कि यहाँ हम सोच कर ये चले थे कि यहाँ आसपास के दो चार डिस्ट्रिक्टों के ही लोग आएंगे, लेकिन यहाँ तो क्या हरियाणा, क्या यूपी, क्या राजस्थान, सभी स्टेटों से लोग इतने चल यहाँ पहुँच भी सके हैं। कुछ लोग तो कुछ रात को ही आ लिए थे, ट्रेन से आ चुके थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी आप लोगों की कठिनाई को दूर करने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग रास्ते वाले इतने परेशान ना हो। तो मैं इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद। जो आज का कार्यक्रम पोस्टपोन किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहना है, किस तरह की तैयारियाँ हैं? सर, 2 महीने से पूरी टीम लगी हुई थी, पूरा हरियाणा कवर किया, दिल्ली गए, और ये हमने हरियाणा का प्रोग्राम रखा था, लेकिन यूपी, राजस्थान, पंजाब, ये सारी स्टेट, उत्तर भारत का ये प्रोग्राम हो गया था, आप देख सकते हैं व्यवस्था भी। लेकिन ये हरी की इच्छा है कि इतनी बारिश पूरी रात से हो रही है, अब भी हो रही है, ये गोडे गोडे पानी यहाँ पे भर गया है, तो हमारी नहीं चली, अभी इस कारण से इसको पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि पानी ज़्यादा है, व्यवस्था हो गई है। आगे की जो डेट होगी वो निर्धारित करके आगे फिर प्रोग्राम का जैसा होगा पूरी समिति वो रखेंगे। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि भाई जितनी मेहनत कर रहे थे यहाँ पे, इतनी तादाद में संख्या में लोग यहाँ आए थे, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होनी थी, तो ये मजबूरी है। गेस्ट जी हमारे दुष्यंत चौटाला जी थे, उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब आप कहोगे जब आ जाएंगे, अब भी वो हमारे बीच आने वाले थे सभी गेस्ट, तो हरी की इच्छा है। अभी आप देख रहे हैं ऊपर से बारिश, और आपका भी धन्यवाद है कि आप इस खबर को लेने के लिए इतनी बारिश में आए हैं। आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बारिश में भी एक सच्चाई को दिखाने के लिए आए।